नमस्कार, आपके साथ मैं सानिया जी मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 PM शो। रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों का। असम के पत्थरकंडी में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पाल की गाड़ी में ईवीएम मिलने से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी ने इस मामले में बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमला बोला। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने की घटना पर सफाई देते हुए कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद चुनाव अधिकारियों को बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में लिफ्ट लेना पड़ा। सफाई देने के बाद आयोग ने इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली कार और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वजे को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि वजे कथित वसूली रैकेट को नरीमन पॉइंट स्थित एक 5-स्टार होटल से चला रहा था। यहाँ उसके लिए एक बिजनेसमैन ने 12 लाख में एक रूम 100 दिनों के लिए बुक किया था। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का गाना चली चली आउट हो चुका है। इस गाने का पिक्चराइजेशन काफी शानदार है। कंगना के फैंस इस गाने को देखकर काफी एक्साइटेड हैं। लोगों ने गाने पर कमेंट्स किए हैं कि कंगना ने वैसे ही पिंक कपड़े पहने हैं जैसे जयललिता ने अपनी शुरुआती फिल्म में देखे थे। अब लोग जयललिता की तमिल डेब्यू फिल्म का गाना सर्च करके देख रहे हैं। जयललिता भी इस गाने में वैसे ही पानी में भीगी हुई दिखाई दे रही है। कंगना की अपकमिंग फिल्म थलाइवी का जब से अनाउंसमेंट हुआ है ये चर्चा में है। इसका ट्रेलर आ चुका है, लोगों को ये काफी पसंद आया था। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्थिति खराब महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे। सीएम के संबोधन से पहले इस बात की कयासबाजी तेज हो गई है कि वे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना की नई लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। देश के कई शहरों में लगे नाइट कर्फ्यू के मुकाबले ये सबसे लंबा कर्फ्यू होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के काकापुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। पहली खबर आई है कि एक आतंकी मारा गया है जबकि 2 आतंकियों को घेर लिया गया है, लेकिन बाद में सुरक्षा बलों ने उस घर को ही IED से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। मौके से 4 आतंकियों के शव और 3 हथियार बरामद किए गए। शुक्रवार तड़के काकापोरा के समवोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अमेरिका में 122 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी के 55 दिन बाद गर्मी ने 111 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेजी से बढ़ी इस गर्मी के कारण लोग समुद्री तट की ओर रुख करने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका में मार्च अप्रैल में तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन इस साल ये 33 डिग्री तक पहुंच गया है। ये पिछले सालों की तुलना में 7-8 डिग्री तक ज्यादा है। सैन डिएगो स्थित नेशनल वेदर सर्विस के मौसम वैज्ञानिक मार्क मीरे ने बताया कि इस साल सर्दियों में रिकॉर्ड बर्फबारी तो हुई, लेकिन सर्दी अचानक खत्म हो गई। इस कारण अमेरिका और यूरोप में हीट वेव चलने लगी। भारतीय रेल जल्द ही अपनी यात्री सेवाएं पूरी तरह शुरू कर सकती है। वे अगले 2 महीनों में कोविड से पहले वाली स्थिति में आ सकती है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब राज्य सरकारें मंजूरी दे दें और कोविड काबू में आने लगे। सूत्रों के हवाले से जो कहा गया है उसके मुताबिक यात्री सेवा पूरी तरह बहाल होने पर एक और बात हो सकती है। इस दौरान शुरू होने वाली ट्रेन में रेगुलर नहीं सबके स्पेशल ट्रेन की संभावना है। फिलहाल रेलवे सिर्फ स्पेशल ट्रेन के साथ 2/3 पैसेंजर सर्विस चला रही है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।